हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टैफ्ट इक्वेशंस के बारे में, जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, जो कोई भी आपके कंपटीशन एग्जाम है उसमें। तो जब हमने हैमेट इक्वेशन पढ़ा था, तो हैमेट इक्वेशन हमें क्या बताता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। लेकिन जो टैफ्ट थे उसने क्या किया, हैमेट इक्वेशन को मॉडिफाई किया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ हमारा स्टेरिक जो इफेक्ट है वो भी काम आता है हमारे किसी भी यहाँ पे रिएक्शंस में। तो किस तरह से काम आता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जान लीजिए कि जब हम टैफ्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा स्टेरिक पैरामीटर होता है और ये उसका फॉर्मूला होता है kx। ये x हमारे सब्सटीट्यूएंट के लिए और a kme हमारे रेफरेंस के लिए। अब देखो, सबसे पहले टैफ्ट ने क्या किया, यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किया। तब उसने देखा कि जब मैं एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराता हूँ तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम आता है या फिर स्टेरिक फैक्टर काम आता है, ठीक। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एसिड का हाइड्रोलिसिस कराया। तो ये हमारा कोई एस्टर है, ठीक है। यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस कराया हमारे एस्टर का, तो ये हमारा कोई एस्टर है, ठीक। अब एस्टर है तो उसको हमने यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन के साथ जब रिएक्शन कराया, तो क्या होता है, इसका जो H प्लस है यहाँ पे अटैक करेगा। अटैक करने से क्या हो जाएगा, ये H यहाँ पे आया और यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन के जाने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब क्या होगा, जब हम ये हमारा ये दोनों हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, फिर उसके बाद, या फिर रेट लिमिटिंग स्टेप कह सकते हैं, उसके बाद जब हम वाटर ऑफ मॉलिक्यूल से इसका रिएक्शन कराते हैं या फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये जो वाटर है वो डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करते हैं। अटैक करने की वजह से ये OH2 है यहाँ पे आके हमारा जुड़ जाता है और OH2 यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और ये जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है ऊपर जाता है और यहाँ पे की जो निगेटिविटी है उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो अब उन्होंने देखा, जो ट्रैप थे उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या हो गया है, हमारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं। तो उन्होंने देखा कि अब हम यहाँ पे कुछ ग्रुप लगा के देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये जो R ग्रुप आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के देखा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब उन्होंने लगाया, तो देखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रहता है, और ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, ठीक। अगर उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊं, ठीक है, तो वो डोनेटिंग ग्रुप क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये भी क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। मतलब कि ये अगर मैं विड्रॉइंग लगाऊं और डोनेटिंग लगाऊं, तो दोनों ही क्या कर रहा है उस जगह पे, इसको स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर R के प्लेस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाएं तब भी वो उन दोनों स्टेप को स्टेबलाइज करेगा, और अगर डोनेटिंग लगाएं तब भी वो दोनों स्टेप में क्या करेगा, वहाँ पे स्टेबलाइज इफेक्ट देगा, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो सो यहाँ पे नो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। अगर अब मैं बात करूँ कि यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट है कि नहीं इस जगह पे, तो अब उन्होंने देखा कि चलो देखते हैं। तो अगर इस R की जगह पे अगर मैं कोई बल्की ग्रुप लगा दूं, ठीक है, अब हमने कोई यहाँ पे बल्की ग्रुप लगा दिया, तो बल्की ग्रुप लगाने से क्या होता है, ये जो वाटर है वो इजीली अटैक नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक हाइंड्रेंस मतलब रुकावट पैदा हो जाएगा। अगर हमने कोई भी बल्की ग्रुप मतलब बहुत बड़ा ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या करेगा, इसको अटैक करने नहीं देगा, मतलब यहाँ पे हाइंड्रेंस रुकावट पैदा करेगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे तो हमको स्टेरिक इफेक्ट देखने को ही मिल गया। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर हम R के प्लेस में कोई बल्की ग्रुप लगा दें तो वह H2O के लिए हाइड्रेंस जनरेट करेगा, सो यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट होगा, कॉज रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे अफेक्ट होगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बेसिक हाइड्रोलिसिस किया। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस करने में उन्होंने सोचा कि जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो स्टेरिक और जो इलेक्ट्रॉनिक है ना, दोनों यहाँ पे इफेक्ट हमको देखने को मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे जब उन्होंने एस्टर लिया है ना, तो हमारा जो OH है वो डायरेक्टली यहाँ पे अटैक किया, डायरेक्टली अटैक करने के बाद वो आगे यहाँ पे ज्वाइन हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। तो अब क्या होता है, क्योंकि ये वाला जो हमारा बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस कंडीशन पे अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊँ, ठीक है, क्या लगाऊँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, इसको अपने इस यहाँ का जो ये अनस्टेबल हुआ है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से, उसको ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, कि मतलब अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पे तो हमको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखने को मिल गया, ठीक।
और अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊँ तो वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब कि नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, तो ये इसको पूरी तरह से अनस्टेबल कर देगा। मतलब यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखने को मिलता है। अब हम सेकेंड बात करते हैं, अगर हम इस आर की जगह पर कोई बल्की ग्रुप लगाए, ठीक है, तो बल्की ग्रुप लगाने से क्या होगा, बल्की ग्रुप यहाँ पर हाइड्रेंस एक तो एक ये जो OH है उसको यहाँ पे अटैक होने नहीं देगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रेंस मतलब रुकावट पैदा करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमको स्टेरिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हम लगाएं तो R की यहाँ पे इस जगह पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे ये रिएक्शन को फेवर करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर यहाँ पे देखने को मिला। सेकेंड हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप लगाएं तो ये भी हाइड्रेंस जनरेट करेगा OH के लिए, इस OH के लिए हाइड्रेंस जनरेट करेगा, तो यहाँ पे भी हमारा स्टेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। ये हमारा एस्टर ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड मिथाइल ग्रुप है और ये हमारा R है, ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी सब्सिट्यूएंट ऐड करते हैं। तो इन केस ऑफ अगर हमारा जो R है वे वेरी वेरी लेस देन ME है ना, अगर यहाँ पे मैं कोई छोटा ग्रुप लगा दूँ एज़ कम्पेयर टू दिस, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर यहाँ पे मैंने छोटा ग्रुप लगा दिया तो सिंपल सी बात है कोई यहाँ पे हाइड्रेंस ही नहीं रहेगा, ये डायरेक्टली कोई भी ग्रुप आके यहाँ पे डायरेक्टली अटैक करेगा, नो स्टेरिक हिंड्रेंस, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये स्टेरिक फैक्टर है वो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक, ये बस आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लिखा है कि सो OH फास्टर अटैक, क्योंकि यहाँ पे OH फास्टर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रेंस नहीं है, ये हम स्मॉलर ग्रुप लगाए हैं, है ना, तो रिएक्शन रेट यहाँ पे ज़्यादा होगा और ES पॉजिटिव आएगा। अब इन केस ऑफ अगर मैं यहाँ पे कोई फिनाइल जैसे कि यहाँ पे बल्की ग्रुप लगा दूँ, ठीक है, तो बल्की ग्रुप लगाने से क्या होगा, यहाँ पे OH क्या करेगा, अब अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे हाइड्रेंस जनरेट हो चुका है। तो लिखा है कि सो OH अटैक नहीं कर पाएगा ड्यू टू दी हाइड्रेंस, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा और रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा तो जो ES है वो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो अगर आपने ये याद रख लिया तो आप यहाँ पे अपना जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे ये हमारा जो चार्ट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक, मतलब डायरेक्ट ऐसा पूछेंगे कि अगर ये सब्सिट्यूएंट है तो आपका स्टेरिक इफेक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सबसे पहले हम स्टेरिक इफेक्ट की बात करते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। तो हमको पता है जो हाइड्रोजन होता है तो वहाँ पे कोई वो हिंड्रेंस पैदा नहीं करेगा, हाइड्रेंस, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इजीली जाके कोई भी ग्रुप वहाँ पे अटैक कर लेगा, तो पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे है कि कोई यहाँ पे कोई हाइड्रेंस नहीं रहेगा तो हमारा रिएक्शन का रेट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए वहाँ पे पॉजिटिव है। अब मिथाइल ग्रुप, तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो एक्स यहाँ पे हमारा क्या है, सब्सिट्यूएंट है, तो यहाँ पे सब्सिट्यूएंट क्या दिया है, CH3, तो हमने यहाँ पे CH3 लिखा। सेकेंड यहाँ पे KME स्टैंडर्ड, तो भी हमने मिथाइल ग्रुप ही लिया है, तो मिथाइल मिथाइल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये मिथाइल और स्टैंडर्ड मिथाइल कैंसिल आउट, तो यहाँ पे जीरो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे नो स्टेरिक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं CH2 CH3, अगर हमने ये वाला सब्सिट्यूएंट यहाँ पे ऐड कर दिया तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ये हमारा बल्की है और हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अगर हम बल्की ग्रुप अटैच कर दें तो उस कंडीशन पे ये क्या करेगा, हाइड्रेंस जनरेट करेगा, तो रिएक्शन रेट कम होगा, तो ES की जो स्टेरिक वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेरिक वैल्यू नेगेटिव आई है, उसी तरह फिनाइल के लिए भी नेगेटिव आएगा क्योंकि ये भी बल्की ग्रुप है, इसके लिए भी नेगेटिव एंड इसके लिए भी नेगेटिव, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की। तो होता क्या है, हमको पता है जो H है हाइड्रोजन है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव इफेक्ट लिख सकते हैं, ठीक। मिथाइल के लिए ये जीरो है तो सिंपल सी बात है ये भी हमारा जीरो होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें इस बल्की ग्रुप की तो ये सिंपल सी बात है क्या करेगा, नेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब कि नेगेटिव, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा पॉजिटिव की तरह क्यों काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है, इस CH2 की वजह से, इसलिए यहाँ पे हम बात करेंगे ये पॉजिटिव आएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल हमारा नेगेटिव होगा और फिनाइल में यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे आपको एक नोट पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप अगर लगा रहे हो तो उस कंडीशन पे यहाँ पे जो सिग्मा स्टार की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो नेगेटिव आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो ये नेगेटिव आया, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन वैल्यूज़ की। तो देखिए होता क्या है, ये हमारा पॉजिटिव है तो हमने 1.24 लिया। अब जैसे जैसे आप बल्की ग्रुप लगाते जाते हैं, जितना बड़ा बल्की ग्रुप वो उतना ही नेगेटिव होता जाता है। तो यहाँ पे हमारा
ये 0.07 आया, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगाए तो ये हमारा 0.38 हो गया। फिर उससे ज़्यादा हम यहाँ पे और टर्सरी ब्यूटाइल में -1.54, फिर ये सबसे ज़्यादा बल्कि ग्रुप है इसलिए -2.55, ठीक। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक में भी यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 0.49, ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव में है इसलिए +0.22, -0.30 एंड 0.60।